पहली बार है मैं किसी से टोयोटा की सर्विस की बुराई सुन रहा हूँ। यूजुअली लोग तो तारीफ करते हैं, मेरे को इतनी अच्छी सर्विस मिली नहीं। एक घंटे में आपको एक्सप्रेस सर्विस होती है, कुछ एडिशनल चार्ज नहीं होता। कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि इस गाड़ी के लिए वो है ही नहीं। इनसे पूछा ये पार्ट किस चीज का है, वो बताने में इन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी, ये मेरे को बता ही नहीं पा रहे थे कि ये सर इस चीज का ये पार्ट है। तो ये चीज है कि एटीट्यूड इनके एम्प्लॉयज में बहुत है। 10.5 लाख रुपए तो इसके लग गए। अच्छा 10.5 लाख रुपए कोई लगा चुका है। हेलो भैया, मैं शाम जैसे कि फ्रेम में देख पा रहे हो इस वक्त है हमारे पास टोयोटा की हाई राइडर। अब हाई राइडर का रिव्यू देखा होगा, ये वाली हाई राइडर आपने पहले भी देख रखी होगी, हमारे चैनल पे पहले भी इसकी वीडियो आ रखी है ओनरशिप रिव्यू। पर आज की वीडियो में 1 साल बाद ओनर को कैसा लग रहा है 1 से 1.5 साल बाद जब उसने 16,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। तो सबसे पहले फिर मिलते हैं इनके ओनर से। हेलो रोहन भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। तो बहुत बढ़िया। तो जो लोग नहीं जानते, रोहन भाई का एक यूट्यूब चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जाके उसको सब्सक्राइब करो। तो रोहन भाई, जैसे कि प्रीवियस ओनरशिप वीडियो में सबने देखा था कि आप लोग आपने कैसे बेस मॉडल परचेज करा, एंड उस वक्त आपके बेस्ट जो आपका बजट था उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन यही देखने को मिल रहा था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मार्केट उसमें, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे बजट में। आप तो 1 साल भी हो चुके हैं, मैंने 16,000 चला दिए है, तो काफी कुछ चीजें हैं नई नई पता चली है इसके बारे में मेरे को। सोच के तो गया था कि भाई क्रेटा लूं या सेल्टॉस लूं या एमजी एस्टर का सुपर ईएक्स वाला वेरिएंट लूं, लेकिन बस यही था कि इतनी वैल्यू फॉर मनी लगी, ऊपर से मुझे मिल भी गई जल्दी, फिर ये मैंने ले ली थी। पर एस्टर जो आपकी चॉइस थी एक और, वो भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है। सुपर ईएक्स वेरिएंट 13.80 का पड़ रहा था 1 साल पहले, क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्ट टचेस है बहुत ज्यादा प्रीमियम लग्जरी, एकदम लग्जरी टाइप गाड़ी लग रही थी, वो बहुत अप मार्केट लगती है व्हेन कंपेयर टू दीस कार्स, तो वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पर इंजन वाइज एमजी का इतना अच्छा रिलायबिलिटी नहीं है। मैंने जब एस्टर चलाई थी ना, तो वो इससे ज्यादा दबी दबी चल रही थी, ये तब भी ठीक चल रही है। एस्टर तो थोड़ी मतलब लगता है कि पेट्रोल में 1.5 थोड़ी दबी दबी सी चल रही है, एवरेज भी कम है, सुनने में तो यही आया था। बाकी फिर ये ऑप्शन सही लगा तो फिर इसी में रहे। तो मेजरली उस टाइम पे जो इसका सिस्टर थी ग्रैंड विटारा, तो उसको मेन रीजन क्या था रिजेक्ट करने का? सबसे पहली बात तो मेरे को अवेलेबल हो रही थी वो, लेकिन 1 लाख की एसेसरीज लेनी पड़ रही थी। दूसरा, डेल्टा मॉडल में 1 लाख की एसेसरीज तो मेरे आउट ऑफ बजट गाड़ी जा रही थी। लेकिन फिर ये था कि ये मुझे 5 दिन में मिल रही थी, बिना एसेसरीज की मिल रही थी, तो ये मैंने जाके ले ली। डेफिनेटली ये तो अच्छा अच्छी चॉइस रही है आपकी। ऊपर से 3 साल की वारंटी मिल रही है, टोयोटा की सर्विस मिल रही है, इसका लुक ज्यादा अच्छा है। व्हेन कंपेयर टू ग्रैंड विटारा लुक्स तो यार इसके बहुत ज्यादा सुपर्ब लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेरा मन भी इसी में था, लेकिन सोचा कि यार चलो ग्रैंड विटारा मिल जाएगी तो वो ले लेंगे, लेकिन जल्दी ये मिल गई थी मेरे को, तो इसलिए आपने इस पे चले गए, इसलिए ये ले ली थी। हाँ, तो अब जैसे आपने 16,000 गाड़ी को ड्राइव कर लिया है, तो अब ट्रू रिव्यू क्या है गाड़ी के बारे में, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपकी, गलती थी सही यार सही डिसीजन? सबसे पहली बात तो एवरेज बढ़िया दे रही है ये, एवरेज पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से हैचबैक वाली एवरेज ये मेरे को निकाल के दे रही है। अगर हम मीटर पे देखना चाहे एवरेज कितनी इस वक्त दिखा रही है, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख पा रहे होगे 15.2 की एवरेज दिखा रही है। ये तब की है जब मैं अभी लाजपत से दिल्ली से होके आया था, तब की है ये। अच्छा, तो गाड़ी एसी ऑन भी खड़ी हुई थी, एसी ऑन खड़ी हुई थी तब, उसके बाद 15.2 और इतनी बड़ी गाड़ी हैचबैक वाली एवरेज आपको निकाल के दे रही है डेफिनेटली, और पेट्रोल इंजन के साथ, पेट्रोल इंजन के साथ। ये नॉन एसी आपको 17-18 लाइट ट्रैफिक में आराम से दे देगी। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा, जो इसकी सर्विस हुई है, जैसे कि अब आपकी गाड़ी ड्राइव हो गई, इतनी तीन सर्विस हो चुकी है, तो टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस तो है ही डिफरेंट, पर सर्विस एक्सपीरियंस डिफरेंट होने के बाद सर्विस क्वालिटी और कॉस्ट क्या थी? देखो कॉस्ट, देखो अभी तो 3 सर्विस हुई है, लेबर फ्री सर्विस थी, फर्स्ट और सेकंड का 0 बिल आया था मेरा, और थर्ड सर्विस के मैंने 2200 रुपये के आसपास दिए थे मैंने, जिसमें कि मेरा इंजन ऑयल 1700 रुपये का था और ऑयल फिल्टर, और बाकी वॉशिंग वगैरह तो फ्री में होके इन्होंने मेरे को दे दी थी, एयर फिल्टर वगैरह साफ होके मेरे को मिल गए थे। अच्छा, एयर फिल्टर की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी? नहीं, साफ करके मेरे को दे दिया था बस। मतलब 2200 रुपये सिर्फ इसका बिल देखने को मिला, इतनी बड़ी गाड़ी लेबर का। लेबर चार्जेस तो नेक्स्ट टाइम से एक्सपेक्टेड लेबर चार्जेस 3500 के आसपास जाएगी, 3500 इंक्लूडिंग पार्ट्स। टोयोटा के एम्प्लॉयज थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से ट्रीट मेरे को तो किया नहीं था, और मेरे साथ में एक इनोवा वाले थे उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, वो भी ये कह रहे थे कि इनके एम्प्लॉयज में थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा रहता है। पर ये पहली बार है मैं किसी से टोयोटा की सर्विस की बुराई सुन रहा हूँ, यूजुअली लोग तो तारीफ करते हैं। मेरे को इतनी अच्छी सर्विस मिली नहीं, हो सकता है मेरे फरीदाबाद वाले में हो ऐसा, लेकिन जो मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट किया था मैंने, वो मुझे नहीं मिला। एक 5-6 घंटे लगा दिए थर्ड सर्विस के, 5-6 घंटे लगा दिए इन्होंने। एंड एक चीज और मैंने नोट करी है पर्सनली, जितने भी ओनर से मैं फरीदाबाद के अंदर मिलता हूँ, सारे ही ओनर्स कंप्लेन करते हैं, चाहे मारुति का ओनर हो, चाहे टाटा का ओनर हो,
एंड शोरूम्स के बारे में ही कंप्लेन करते हैं, हो सकता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो डीलरशिप का नेटवर्क है थोड़ा सही ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ओनर से, जितने भी ओनर से बात करी है, टाटा नेक्सॉन का भी ओनरशिप रिव्यू करा था, उसमें भी कह रहे थे कि सर्विस वाइज उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। अब देखो यहाँ पे 36 टोयोटा बहुत फेमस है, वहाँ पे ये हाल है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। जब इतनी फेमस डीलरशिप पे सर्विस का इतना बुरा हाल है तो, और एक टाइम पे ना सर्विस यूएसपी होती थी टोयोटा की। देखो फर्स्ट सर्विस में मेरे को 5 घंटे लग गए थे, सेकंड सर्विस में मेरे को 40 मिनट में छोड़ दिया, थर्ड सर्विस में फिर 5-6 घंटे लग गए मेरे को। एंड इनका एक क्यू सर्विस होती है जिसमें 1 घंटे में आपको एक्सप्रेस सर्विस होती है, कुछ एडिशनल चार्ज नहीं होता। कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि इस गाड़ी के लिए वो है ही नहीं। अच्छा, इस गाड़ी के साथ है ही नहीं वो, तो यार ये तो बहुत गलत है, ये भी टोयोटा का प्रोडक्ट है। मैंने इनसे पूछा ये पार्ट किस चीज का है, वो बताने में इन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी, ये मेरे को बता ही नहीं पा रहे थे कि ये सर इस चीज का ये पार्ट है। तो ये चीज है कि एटीट्यूड इनके एम्प्लॉयज में बहुत है, इसीलिए मैं अगर नेक्स्ट सर्विस कराऊंगा तो मैं दिल्ली या गुड़गांव से कराऊंगा। कहीं ना कहीं एटीट्यूड इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मारुति के साथ जो कलैब गाड़ी है, वही तो इस वजह से थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो। मेरे को लगता है कि मेरे पे बेस मॉडल है, शायद मेरे साथ किया हो, जिन पे हाइब्रिड है उनके साथ अच्छा करते हो, अब ये पता नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है फैक्टर, क्योंकि उन लोगों को आ जाता है थोड़ी हाई टिकट वैल्यू गाड़ी पे करने की, क्योंकि ये मारुति का इंजन है, टोयोटा का इंजन इसमें है नहीं, जिसमें टोयोटा का इंजन आता है उनकी शायद अच्छे से करते हो ये। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है। नेगेटिव बता दो रियल वर्ल्ड में क्या लगता है मेजर नेगेटिव इसका, ये लगता है सबसे पहला कि जो मैनुअल लेगा इसका, उसे सिक्स गियर नहीं मिलेगा। अच्छा, आज के टाइम में सिक्स गियर हर गाड़ी में आ रही है, जब भी आप हाईवे में चलोगे तब आपको कहीं ना कहीं कमी लगेगी कि भाई इसमें सिक्स गियर होना चाहिए, गाड़ी आवाज करेगी हाई स्पीड में, तो वो मेरे को एक कमी लगती है इसमें, सिक्स गियर तो होना चाहिए। आवाज के साथ माइलेज इंप्रूवमेंट भी हो जाती है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है इंटीरियर की, हल्का सा अगर आपका रफ हाथ लग गया तो स्क्रैच लग जाएंगे, और उस चीज से मैं काफी परेशान भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत स्क्रैचेस लग जाते हैं अगर आपका हाथ लगेगा तो। हाँ, तो प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी रफ है, यहाँ पर भी स्क्रैच मेरे लग चुके हैं, जबकि मैं गाड़ी इतना प्यार से रखता हूँ, तो उसके बाद भी स्क्रैच लग गए। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है, टिपिकल मारुति वाली है, और सीट भी इनकी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। पर एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, गाड़ी की ना फिट एंड फिनिश परफेक्ट है, जैसे टाटा की गाड़ी में इशू देखने को मिलता है वो चीज नहीं मिलेगी। चाहे प्लास्टिक क्वालिटी डाउनग्रेड है पर फिट एंड फिनिश में गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट ठीक है, कोई आलतू फालतू आवाज नहीं आती इसमें, अभी तक 1 साल हो गए कोई फालतू आवाज नहीं आई। बाकी सीटें इसकी हार्ड है, मेरे को कहीं पहले लोग बोलते थे इसकी सीटें हार्ड है, मेरे को लगा ऐसे ही बोलते होंगे, अब 1 साल यूज करने के बाद इस गाड़ी को मैं 180 किलोमीटर से ऊपर नहीं चला सकता। इससे पहले जो गाड़ी थी उसे मैं 0-300 किलोमीटर नॉन स्टॉप रुके हुए चला लेता था। सीटिंग कंफर्ट की वजह से आप 180 पे ही मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, और पीछे वाली सीट तो और भी महा बकवास है, बेंच जैसी है, अंडर थाई सपोर्ट कम है, तो कहीं ना कहीं मेरे को उसकी सीटों का लगता है आपको सीटों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सीट में कुशनिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्रेटा सेल्टोस में बैठा हूँ वो ज्यादा कंफर्टेबल लगती है मेरे, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ये चीज मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगती, जो कि मुझे 1 साल बाद पता चली है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं रोहन भाई, वर्डिक्ट की बात करते हैं गाड़ी के बारे में, गाड़ी अब किसको लेनी चाहिए 1 साल बाद, आप रिकमेंड करते हो ट्रूली, और मेजर डाउनसाइड क्या लगा गाड़ी में 1 साल बाद? देखो अगर आप प्यार से चलाते हो गाड़ी, जिसे भगाने का शौक नहीं है, उनके लिए तो गाड़ी परफेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो लोग अब जैसे जो लोग फॉक्सवैगन या स्कोडा की गाड़ी या टाटा की गाड़ी यूज कर चुके हैं, टाटा की अभी वाली 2-4 साल पुरानी वाली, उन्हें ये गाड़ी पसंद नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहली बार बिल्ड क्वालिटी, दूसरा अपना सीटें कंफर्टेबल नहीं है, तीसरा इसके साथ स्टेयरिंग है ना उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलता, वो वाली बात है कि हाई स्पीड में 120 के बाद का स्टेयरिंग मुझे को तो डर लगता है। 120 के बाद मारुति, मतलब जो मारुति के प्रोडक्ट्स है, चाहे बिल्ड क्वालिटी अच्छी भी है जैसे ब्रेजा और इसके, पर वो भगवान भरोसे ही चलती है। 120 में मेरे को डर लगता है, जबकि मेरी टिगोर थी वो 120-130 स्टेयरिंग एकदम मस्त चलता था, कोई दिक्कत नहीं। एंड चाहे हुंडई क्रेटा मैं ऑन करता हूँ, चाहे उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर वो 160 तक भी स्टेयरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं करता उसका। इसका वो मेरे को फैक्टर लगता है स्टेयरिंग, और अच्छा रिस्पॉन्सिव है नहीं इतना, लेकिन बस ये है कि अगर आपको सिटी में चलना है, कभी कभार हाईवे में चलना है, बेस्ट गाड़ी है ये। एंड फैमिली कार की तरह कोई लेना चाह रहे तो सर्विस कॉस्ट और हर चीज कंट्रोल्ड आपको देखने को मिलेगी। पर हाँ, टोयोटा का जो ये सर्विस बिहेवियर गलत देखने को मिला, ये मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो जाना चाहिए। तो भाई यही थी एक छोटी सी ओनरशिप रिव्यू वीडियो रोहन भाई की, जो 1 साल बाद अब इन्हें यूज होते हुए करते हुए हो गया है राइडर को। होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ ये वीडियो यही एंड करते हैं, सबका साथ।